खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ के थाना दोहरी घाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान आज दिनांक 11 फरवरी को जरिया मुखबिर मिली सूचना पर झोपड़ी से अपहरित 3 वर्षीय बालक आयुष को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने आपको बता दें गोठा में हरेंद्र सिंह के ईंट के भट्टे के पास स्थित लेबर झोपड़ी से पुलिस ने इस बच्चे को बरामद किया है, जहाँ पुलिस ने अपहरणकर्ता महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। बीती 10 फरवरी को थाना स्थानीय परवादी दिलपसंद निवासी कस्बा दोहरी घाट द्वारा अपने बच्चे आयुष का किसी अज्ञात महिला द्वारा अपहरण कर लिए जाने के संबंध में लिखित सूचना दी गई थी, जिस पर तत्काल अज्ञात महिला के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया पुलिस द्वारा और उक्त घटना के अविलंब अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा सख्त निर्देश दिए गए और थाना दोहरी घाट पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 10 फरवरी को कस्बा दोहरी घाट से जो लड़का गायब हुआ था उसे गोठा में हरेंद्र सिंह के भट्टे पर अपहरणकर्ता के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही अपहरणकर्ता महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पूछताछ में उक्त महिला द्वारा अपना नाम प्रमिला देवी, पत्नी दुर्गा मांझी, निवासिनी पैठना, थाना इस्माइलपुर, जनपद नालंदा, बिहार बताया गया तथा उक्त बरामद बच्चे को वादी से तस्दीक कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीएलएल न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। हमारी मम्मी आई थी हमारे पास, तो हमारी बहन आई थी मिलने के लिए, बाहर जा रही थी, तो मम्मी बोली कि आकर मिल लो। हम कहे ठीक है, आ रहे हैं, अभी थोड़ा हमें काम है, तब तक ये दीदी आ गए जाने के लिए उनके साथ। तो जो मम्मी थी तो कर हम लेकर जा रहे हैं, तो हम कहे नहीं, तो वो बोले ठीक है हम जाएंगे, तो आना पीछे से। कब पता चला कि लड़का गायब हो गया? हमें पता चला 1 बजे के करीब, 1 बजे करीब में पता चला। और मम्मी भी इसको खिलाई पिलाई, बस हाथ धोने के लिए गई थी तो उतना ही में ये। नहीं तो बाजार में ढूंढी थी तो लोग क्या बताए? बाजार में ढूंढी थी तो वो लोग बताए रहे ना, एक चूड़ी की दुकान थी वहीं पे ये बच्चा था, तो वो बोल रहे थे कि हम इसको बैठाए थे, बस ये आए थे तो इसके सामने शायद ट्रक आ रहा था, तो वही उनको बोल रही थी ना कि हटा दो बच्चे को, तो वो हटा कर बैठी थी और बोल रही हमारा बच्चा है। उनकी पत्नी रेनू दोहरी घाट कस्बे में रहते हैं, आलू के स्टोर में वो काम करते हैं। इनके घर कोई रिश्तेदार कल आया था, 3 साल का बच्चा है आयुष, तो दोपहर में जैसा ये बता रही हैं 1 बजे के आसपास गायब हो गया, और चूड़ी की दुकान पर चूड़ी वाले ने बैठाया था, तो जान रहा था आसपास का है, तो फिर एक महिला वहाँ पर आई और उसने कहा मेरा बच्चा लेकर के चली गई। इन लोगों ने खोजबीन की और अपने से प्रयास किया, सायंकाल इन्होंने जब अंधेरा हो रहा था, जब अंधेरा इतना छोटा बच्चा, तो फिर पुलिस को अवगत कराया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष रुपेश सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा बच्चे की तलाश में इधर उधर लग गए, और इसके बाद जो उसके आसपास की चीज़ें थीं, सीसीटीवी फुटेज और लोगों से बातचीत करके फिलहाल इस बच्चे को सकुशल कल रात में बरामद कर लिया गया था लगभग 1 बजे के आसपास, और बच्चा सकुशल है, आपके सामने है बच्चा, अपनी माँ की बरामद किया गया। सुंदर सिंह का भट्टा है, वहाँ पर मुखबिर भी लगाए गए थे, तो वहाँ पर बैठे इस सूचना पर तत्काल ईट भट्टा परिसर में धीरे से एक बच्चा जो है रात में था तो रो रहा था, वहाँ आवाज़ आई, उसके बाद घर वालों को भी लिया था पुलिस ने, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है हम लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे, सभी के बच्चे छोटे होते हैं, इन लोगों ने पहचाना, एक झोपड़ी थी उसी में से निकाला गया, जो महिला ले गई थी प्रमिला देवी, पत्नी दुर्गा मांझी, निवासिनी पैठना, थाना इस्लामपुर, जनपद नालंदा, बिहार की है, और इसको लेबर तो ये भी है, बच्चा ले गई वहाँ से, अब क्या करती क्या नहीं करती फिलहाल तो आपके सामने। क्यों ले गई बच्चा क्यों ले गई? अपहरण के उद्देश्य से ले गई है, और बच्चे को अपराधियों तत्वों का या कुछ और करती है जो भी इससे संभव होता है। बच्चे की माँ कह रही है कि उसका दिमाग हल्का है, किसका बच्चे की माँ उसको कह रही है दिमाग हल्का है, इस संबंध किसका दिमाग हल्का है जो बच्चा ले गई? इस विषय पे मैं क्या जवाब दूँ, एक छोटे से बच्चे को
बाजार से कम कोई भी माँ अपने कोई भी माँ जानती है कि बच्चा मेरा नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है बच्चे को डिस्प्लेस करने के लिए। क्या इसके पहले भी एक आध घटना कर चुकी है सर? ऐसी जानकारी नहीं है। इस महिला से किसी का संबंध नहीं है तो हो रहे हैं किसी इसके तार कहां से ले रहे हैं? मुकदमा पंजीकृत करके बरामदगी कर ली गई, विवेचना की जा रही है और इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि कहीं अन्य तार तो नहीं जुड़े हुए किसी अन्य बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह वगैरह से।